नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज महानवमी है और कल विजयादशमी है। पटना के तमाम ट्रैफिक चौराहों पर पुलिस की चप्पे चप्पे पर व्यवस्था है, लेकिन एडीजी मुख्यालय संतोष गंगवार जो हैं, किस तरीके की व्यवस्था है उस सारी जानकारी अभी कुछ देर पहले मीडिया को उन्होंने दी है कि किस तरीके से क्या सब कुछ उपाय किए गए हैं कि ट्रैफिक कम हो। क्योंकि कल पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में रावण दहन का भी कार्यक्रम है। तमाम जो बिहार के मुख्य लोग हैं, जिनमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर बिहार के गवर्नर, तमाम नीतीश के मंत्रिमंडल के लोग गांधी मैदान में रहेंगे और किस तरीके की तैयारी है, एडीजी संतोष गंगवार जो मुख्यालय हैं वो दे रहे हैं। दुर्गा पूजा पर्व 2023 के अवसर पर वृहद रूप से सुरक्षा और विधि व्यवस्था संधारण हेतु तैयारी की गई है। उसके लिए बल प्रबंधन भी पुलिस मुख्यालय के स्तर से किया गया। दिनांक 23 अक्टूबर को नवमी और 24 अक्टूबर को विजयदशमी के अवसर पर होने वाले रावण वध कार्यक्रम एवं अन्य सभी प्रकार के शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस के समापन के लिए, प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए लगातार पुलिस मुख्यालय से निर्देश दिए गए हैं। विस्तृत रूप से जिला स्तर पर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के संयुक्त स्तर से बल, विभिन्न प्रकार के पुलिस बल तथा दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। आदेश भी निर्गत किया गया। इस अवसर पर सभी संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बरती जा रही है। लगातार पेट्रोलिंग, भारत नेपाल सीमा तथा राज्यों की सीमाओं पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है। विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी व अन्य माध्यमों से निगरानी भी रखी जा रही है। सादे बलों में भी पुलिस बलों की तैनाती की गई। राज्य में औसतन 15,000 प्रतिमाएं प्रतिवर्ष स्थापित की जाती। इस वर्ष 15,559 प्रतिमाओं के स्थापित किए जाने की सूचना, जिसमें कि पटना में लगभग 1,378, छपरा में 1,029 हैं, बाकी अन्य जिलों में 1,000 से कम प्रतिमाएं स्थापित की जाती। इन सभी अवसर पर सुरक्षा विधि व्यवस्था संधारण के लिए अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है और यह प्रतिनियुक्ति 16 अक्टूबर से लेकर के आगे 28 अक्टूबर तक रहेगी। इसमें पूरे राज्य में लगभग 33 कंपनी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की तैनात की गई तथा इसके अलावा जो हमारे ट्रेनी कांस्टेबल हैं, जो कांस्टेबल की ट्रेनिंग ले रहे हैं और पीटीसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको भी इस कार्यों में विधि व्यवस्था संधारण के लिए लगाया गया है, जो उनके प्रशिक्षण में भी उनके दायित्वों में शामिल रहता है। इसमें करीब 12,874 ऐसे लोगों को लगाया गया है, जो 33 कंपनी बल है उसके अतिरिक्त। इसके अलावा गृह रक्षकों की भी करीब 4,500 से अधिक प्रतिनियुक्ति की गई है। जिले के अंदर जो हमारे बल हैं, पुलिस बल हैं, थानों में जो पुलिस बल हैं, उनकी तो लगातार ड्यूटी लगाई ही गई। केंद्र सरकार के द्वारा भी अतिरिक्त अर्धसैनिक बलों की हमने मांग की है, अभी तक वो बल आया नहीं। जब वो बल आएगा उसके उपरांत हम लोग उसका डेपुटेशन करें। केवल पटना जिला की अगर बात करें तो यहाँ पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 7 कंपनी बल, गृह रक्षक करीब 1200 और प्रशिक्षु सिपाही व पीटीसी ट्रेनीज करीब 2000 यहाँ पर भी डिप्लॉयमेंट किए गए। इसके अलावा सभी थानों में उपलब्ध बल जिला में उपलब्ध बल को लगाया गया। पुलिस मुख्यालय के स्तर से पूरे पर्व त्योहार के शांतिपूर्ण समापन, विधि व्यवस्था संधारण और सोशल मीडिया पर निगरानी रखने के लिए स्टेट पुलिस कमांड कंट्रोल सेंटर का निर्धारण कर दिया गया और यह पिछले 2-3 पर्वों से भी हम लोग इसका निर्धारण करते थे। इस बार भी ये 23 अक्टूबर से लगातार संचालित रहेगा। इसमें पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक के 3 पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक, 1 पुलिस पदाधिकारी एडिशनल एसपी और 7 पुलिस उपाधीक्षकों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है, जो लगातार पालीवार इस 24 घंटे इस स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर से पूरे राज्य की विधि व्यवस्था और जो सुरक्षा के कर्तव्य है उनकी निगरानी रखेंगे। इसके अलावा इस पर अन्य पदाधिकारियों की, कर्मियों की भी तैनाती की गई है और विशेष शाखा, आर्थिक अपराध इकाई, विधि व्यवस्था और सोशल मीडिया के कर्मी भी इस सेंटर पर कार्यरत रहेंगे। 24 घंटे सोशल मीडिया पर हो रही गतिविधियों पर हम लोग नियंत्रण रखेंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर आगामी पर्व त्योहार के लिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा आवश्यक बल प्रबंधन किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी सभी को अवगत कराया गया। तो आपने सुना, एडीजी मुख्यालय थे संतोष गंगवार, उन्होंने सारी जानकारी दी कहाँ कैसी क्या व्यवस्था है, किस तरीके से कैमरे चप्पे चप्पे पर काम कर रहे हैं। गांधी मैदान में करीब सैकड़ों कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि चप्पे चप्पे पर गांधी मैदान पर नज़र रखी जा सके। अग्निशमन से लेकर और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था गांधी मैदान में कर दी गई है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।